हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए 6 बार बोनस शेयर देने वाला इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOCL जिसको कहा जाता है, उसका शेयर 100 रुपये में। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो आप, तो ऐसा सोचोगे यार 100 रुपये में। तो इस तरीके से जब देखिए स्टॉक मार्केट में करेक्शन आता है या फिर उस पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट आती है, तो स्टॉक जहाँ पे रुकता है वो होते हैं सपोर्ट लेवल्स। कहाँ पे सपोर्ट है, कभी पुराना रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है तो कभी उसका प्रीवियस सपोर्ट सपोर्ट का काम करता है। तो आप ये देखिए कि सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल, जिस तरीके से अगर मैं अपना प्रायर एक्सपीरियंस बताऊं, अशोक लेलैंड का शेयर 110 112 के आसपास चल रहा था। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि भाई लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है वो 70-75 की रेंज है और इस स्टॉक इस रेंज में जरूर आएगा। तो मैं जब वीडियो उसके ऊपर बनाया तो किसी को यकीन नहीं आया और बहुत गालियाँ पड़ी, पड़ती हैं डेफिनेटली गालियाँ। लेकिन जो स्टॉक एक बार बियर जोन में चला जाता है तो फिर उसमें लगातार करेक्शन आता है। उम्मीद कर सकते हैं हम, स्पेकुलेशन करते हैं हम कि वो ऊपर जाएगा, लेकिन उसमें करेक्शन आता है और वो जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वहाँ पे एक सॉलिड सपोर्ट मिलता है। और उसी तरीके से एक बार येस बैंक के शेयर में भी लगाया था कि 90 रुपये के आसपास जाएगा। देखिए 90 रुपये तो का सपोर्ट भी उसने तोड़ के वो 50-60 रुपये के आसपास आ चुका है। तो इस तरीके से ये इंडियन ऑयल के शेयर में भी 6 बार बोनस जरूर दिया है, लेकिन 100 रुपये का सपोर्ट दिख रहा है, उसके बारे में जानते हैं छोटे से वीडियो में। और साथ में देखेंगे टेक्निकल, फंडामेंटल, बोनस, डिविडेंड सबकी बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। सीधे लेके चलता हूँ आपको बोनस। ये देखिए 2009 2016 2018, अभी तो 2016 और 2018 है, 19 स्किप हो गया, तो 20 में फिर से बोनस, क्या पता आ जाए। फिलहाल देखिए टोटल 6 बार बोनस दिया है, जिसमें से 4 बार 1:1 का बोनस दिया है, ज़बरदस्त बोनस मैं कहूँगा। लेकिन अब बोनस तो दे दिया, फिलहाल करंट सिचुएशन क्या चल रही है, करंट सिचुएशन, करंट फंडामेंटल्स अगर आप देखोगे तो 1,10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 117 का प्राइस है, और बुक वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो 119, बिल्कुल अपने बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अच्छा टाइम मैं कहूँगा है, लेकिन 100 रुपये के आसपास मिलने लग जाए तो और बढ़िया। अगर पी रेशियो की बात की जाए तो हर 8 रुपये पे 1 रुपये कमाता है, मतलब पी रेशियो काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुकी है शेयर के। फिलहाल अगर आप इसका करेक्शन देखो तो बहुत ज़बरदस्त करेक्शन इस शेयर में हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड पर रिटर्न 16% का, इक्विटी पर रिटर्न 15% का, सेल्स ग्रोथ भी 15% के, प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत बढ़िया है। स्टॉक नो डाउट बहुत बेहतरीन है, क्योंकि 117 रुपये के प्राइस पर ये 15 रुपये कमा के आपको दे रहा है। और अगर मैं स्टॉक की और डिटेल आपको दिखाऊं, प्रॉफिट एंड लॉसेस दिखाऊं, तो देखिए जून क्वार्टर में जो प्रॉफिट था वो काफ़ी नीचे था। ये देखिए 6,000 करोड़ का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में था और जून क्वार्टर में देखिए 3,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। अगर पिछले साल जून की बात करते हैं तो यही प्रॉफिट 7,000 करोड़ के पार था और इस बार मात्र 3,3700 करोड़ का मात्र प्रॉफिट दिखाया। और स्टॉक इस तरीके से कम प्रॉफिट जब होता है तो स्टॉक डेफिनेटली गिरता है, लेकिन जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनका प्रॉफिट अगर एकदम ये एक क्वार्टर में फॉल होता है तो आपके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा देख के और उसके निचले लेवल पर जब आता है तो एक एंट्री का मौका भी होता है। और फिलहाल अगर मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की अगर बात करूँ ओवरऑल प्रॉफिट की, तो पिछले 12 महीनों का जो प्रॉफिट है वो मुझे गिरता हुआ दिख रहा है और ये 14,000 करोड़ पर आ गया। ऑल्दो ये देखिए 22,000 करोड़ का इसने टॉप प्रॉफिट भी कमाया है मार्च, मतलब 2018 वाले साल में, 2017-2018 में जबरदस्त प्रॉफिट कमाया, 2019 में थोड़ा कम हुआ, लेकिन 2020 में और ज़्यादा कम होने के आसार देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें, टेक्निकल्स की बात करें, तो ये शेयर ने जो आप क्लियरली देखिए यहाँ पे, मैं कोशिश करता हूँ आपको टेक्निकल टर्म्स में समझाने की। फिलहाल अगर मैं देखूँ, जैसे जो इसने पीक बनाया था, ये पीक इसने 230 के लेवल का बनाया था पीक। अब यहाँ पे देखिए जो दो आप पीक देख रहे हो, पहला पीक जो कि मई 2017 का है, दूसरा पीक जो कि सितंबर 2017 का है। अब दोनों पीक्स का अगर आप डिटेल देखें तो दूसरा पीक जो है पहले पीक से ऊपर है, लेकिन अगर आप RSI देखें तो आपको क्लियरली विजिबल है कि RSI नीचे जा रही है, तो इसका मतलब स्टॉक में गिरावट आ सकती है। स्टॉक में जो बायर्स हैं वो निकल रहे हैं, जो सेलर्स हैं, बायर्स जो है वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बायर नहीं है, ओनली सेलर एक्टिव होते जा रहे हैं। जब सेलर एक्टिव होते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट आ सकती है। और एक बार स्टॉक जो बिल्कुल नीचे लेवल पर चला जाता है, यानी कि RSI उसके 40 से नीचे चली जाती है, तो वो एक डर के संकेत होते हैं यहाँ पे। और RSI बिल्कुल नीचे बियर जोन में चला गया और बियर जोन में जाते जाते शेयर देखिए 230 के लेवल से इसने जो लो बनाया वो 100-102 के आसपास का लो बनाया, जो कि काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है ये वाला लो। और ये जो 100-102 का लेवल, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये लेवल इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और वो मैं कैसे कह रहा हूँ वो आप देखिए, जिस तरीके से अगर आप अलग अलग पैटर्न चार्ट के पढ़े, अलग अलग डिटेल्स पढ़े, तो ये जो 100 से लेके 110-112 की जो रेंज है ना, वो ये देखिए जनवरी 2018 में ये रेजिस्टेंस का काम क्या करता था।
अक्टूबर 2010 के आसपास ये जोन पूरा रेजिस्टेंस जोन का काम किया करता था। फिर सेकंड कई बार इसने, दो बार, तीसरी बार फिर इसने देखिए 2014 में रेजिस्टेंस जोन का काम किया, फिर 2015 में इसने कंसोलिडेशन जोन का काम किया। तो फिर से मुझे लगता है कि ये शेयर थोड़ा और नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा ऊपर जा सकता है ये, लेकिन फिर नीचे पटक के ये इस लेवल पे यानी कि 100 से 110 की रेंज में कंसोलिडेशन का काम कर सकता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अक्टूबर 2018 में इसी रेंज ने इसको सपोर्ट दिया था, तो मुझे लग रहा है एज पर द टेक्निकल्स की ये इस रेंज में आ सकता है। फिलहाल ये ऑलरेडी ऑलरेडी ओवरसोल्ड रीजन में 30 के RSI को टच कर रहा है अगर वीकली चार्ट में मैं देखता हूँ तो मुझे कहीं पे डाउट है कि ये शेयर नीचे आएगा, लेकिन हल्का सा इसमें बाउंस बैक आ सकता है। और वो बाउंस बैक जो होगा वो न्यूज़ पर्सपेक्टिव वाला होगा, और कैसा न्यूज़ पर्सपेक्टिव वाला वो ये देखिए। फिलहाल अगर आप देखें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अभी न्यूज़ आई थी कि वो 25,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है ग्रीन एनर्जी में। ये न्यूज़ है 19 अगस्त 2019 की। 25,000 करोड़ अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो कि ये ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करने वाला है। तो इस न्यूज के चलते इस स्टॉक ने आज ऑलमोस्ट 4 से 5% का उछाल दिखाया जो इसको 122 के लेवल पे लेके गया। ये न्यूज देखिए कितना 25,000 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ऑल दो इसमें इस स्टॉक में बाइंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन थोड़ा और करेक्शन हो जाए तो मुझे लगता है कि 15-20% के, अब आप सोचोगे यार 15-20% बहुत ज़्यादा होता है इतने बड़े लेवल के शेयर के लिए। तो ठीक है, आप अगर आपको इसमें रिस्क लेना है अभी के टाइम पे, ऑल दो ये सपोर्ट जोन के पास ही है, तो आप पूरे शेयर नहीं थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन इसका एक्चुअल सपोर्ट जो दिख रहा है वो इन रेंज में दिख रहा है, तो यहाँ पे बढ़िया मौका आपको मिल सकता है। फिलहाल अगर आपको सपोज 100 शेयर लेने हैं तो मैं कहूँगा आप 20-25 ही लीजिए, ठीक है। तक ये इसका ये मतलब है कि अगर ये ऊपर यहाँ से जाता है तो आपको इन्वेस्टमेंट भी होगी, लेकिन कुछ पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए ज़रूर बचाएं अगर आप तेल के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। फिलहाल एक जो दूसरी न्यूज़ निकल के आ रही है, देखिए 250 बिलियन की दूसरी नहीं, एक ही न्यूज़ है जो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट। अब आता है रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि आने वाले टाइम पे ये जो पेट्रोल है ये तो फॉसिल से रिलेटेड आ गया, ये रिन्यूएबल नहीं है। तो जो सोलर एनर्जी है यानी कि क्लीन एनर्जी, तो यहाँ पे 2 ट्रिलियन यानी कि 28 बिलियन के अप्रॉक्स यहाँ पे अगले कुछ टाइम पे इन्वेस्ट करने वाली है, जो कि फ्यूचर के लिए इस रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट का बोलबाला होने वाला है। इसलिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काफ़ी फोकस कर रही है, चाहे वो आप इथेनॉल की बात करो, वेस्ट टू एनर्जी, कंप्रेस्ड बायोगैस की बात करो, कई चीज़ों में अलग अलग तरीके से ये पैसा लगा रहा है, क्योंकि तेल से आगे काम चलने वाला नहीं है। ये हमको अलग अलग तरीके से एनर्जी के और रिसोर्सेज पे भी काम ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल अभी की डेट में अगर मैं टेक्निकल्स की बात करूं तो शेयर का जो टॉप का पॉइंट है, देखिए दोबारा इसी लेवल पे इसने जाने की कोशिश करी, RSI ऊपर जरूर गया था, ऐसा लग रहा था कि RSI यहाँ से बाउंस बैक लेगा, ऊपर चल जाएगा, लेकिन इस RSI ने जब अपने सपोर्ट को तोड़ा तो यहीं पे ही समझ में आ गया था कि हाँ, जब स्टॉक ने भी सपोर्ट तोड़ दिया, RSI ने भी सपोर्ट तोड़ दिया, तो भाई डाउनफॉल निश्चित है। यानी कि 144 के लेवल से ऐसा लगने लग गया था कि डाउनफॉल निश्चित है, और ये स्टॉक 116-117 तक ऑलरेडी जा चुका है। अब उम्मीदें मार्केट के ऊपर भी है, लेकिन अगर मार्केट में और करेक्शन आती है तो ये निचला लेवल आपके लिए रेडी है। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल दिखाना चाहता हूँ स्टॉक में। अगर डिविडेंड की मैं बात करूँ स्टॉक की, अभी बोनस की बात तो हमने कर ली थी, लेकिन ये स्टॉक बढ़िया डिविडेंड भी दिया करता है, लेकिन डिविडेंड तो तब देगा ना जब प्रॉफिट कमाएगा। अब प्रॉफिट नहीं कम होगा तो डिविडेंड नहीं देगा, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें ओवरऑल पास्ट डिविडेंड इसका 7.66% का डिविडेंड इसने दिया, ये यील्ड है। एक दूसरी चीज़ मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ कि कई बार आप देखते हो, अलग अलग वीडियोस देखते हो कि इतना परसेंट डिविडेंड, 1000%, 2000%, तो वो डिविडेंड जो होता है वो फेस वैल्यू पर होता है। आप हमेशा देखा कीजिए डिविडेंड यील्ड कितना है। डिविडेंड यील्ड आपको क्लियर पिक्चर देता है कि कितने रुपये पे कितना डिविडेंड का। फिलहाल अगर आप देखें इसका डिविडेंड, देखें ये देखिए आप, ये बोनस था, अब डिविडेंड देखिए, अभी इसने मई में 1 रुपये का डिविडेंड दिया, और उससे पहले मार्च के टाइम पे 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया था, उससे पहले दिसंबर के टाइम पे इसने 6 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड दिया था। तो टोटल डिविडेंड 1 रुपया, 1.5 रुपया और 6 रुपये 75 पैसा, अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, 2, 8 रुपये 75 पैसा प्लस 50 पैसा, तो ये हो गया आपका 9 रुपये 25 पैसे के आसपास से टोटल डिविडेंड हो जाएगा। अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे करंट प्राइस के ऊपर से तो आपका ये 7.66% बैठ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, आप इसको भी समझिए। मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल लेमैन मत रहिए, आप चीज़ों के बारीकियों को समझिए। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो यू शुड नो अबाउट ऑल दीज पैरामीटर्स, धीरे धीरे करके आपको समझ में आएंगे, थोड़ा सा आपको टाइम लगाना पड़ेगा। फिलहाल जैसे हमने डिविडेंड की बात करी तो प्रोमोटर्स की भी बात करते हैं। गवर्नमेंट का शेयर है, 52% की होल्डिंग है गवर्नमेंट की, 491 करोड़ शेयर्स गवर्नमेंट के पास है,
और यहाँ पे बड़े शेयर होल्डर जो है ओएनजीसी, आपने नाम सुना होगा। देखिए ओएनजीसी, ये ऑयल इंडिया जरूर है जो हमने बात कर रहे थे, और इंडियन ऑयल की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ओएनजीसी बड़ा शेयर होल्डर यहाँ पे है। 14% की इन्वेस्टमेंट ओएनजीसी की है। और एलआईसी देखिए 6% के इन्वेस्टमेंट, 61 करोड़ शेयर्स एलआईसी के पास है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल के पास 21 करोड़ शेयर्स हैं। रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी के पास 15 करोड़ शेयर्स हैं। और ऑयल इंडिया लिमिटेड के पास इसके 48 करोड़ शेयर्स हैं। तो तेल से रिलेटेड सारे शेयर्स आपस में जुड़े हुए हैं, ये देखिए आप। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए, और आपकी अपनी राय इस स्टॉक के बारे में कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।